खबर बलिया से है। डीएम ऑफिस पर शहर में भारी जल जमाव को लेकर सपा नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा, बलिया में कुछ नहीं बचा। कलेक्टर में पानी, एसपी आवास में पानी, डाक बंगला में पानी, मंदिरों में पानी, करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से नाला बनाने पर हुआ था खर्च। समाजवादी पार्टी ने किया था ऐतराज। नाला से न कलेक्टर का पानी गया, न एसपी आवास का पानी, न डाक बंगले का गया पानी। नाला बनाने में जो बंदरबांट किया गया उसकी हो जांच। शहर की सभी सड़कें डूब गई, जनता हो रही परेशान। जल निकासी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। कि बलिया में कुछ नहीं बचा है, जहां कलेक्ट्रेट में पानी, जहां एसपी के घर में पानी, जहां पर डाक बंगला में का पानी, जहां जेल में पानी, जहां मंदिरों के सामने बालेश्वर जी और भृगु मंदिर के सामने चलना मुश्किल है, पानी पानी हो गया है। ऐसी स्थिति में कौन मोहल्ला बताए? कोई मोहल्ला ही नहीं है जहां पर पानी ना लगा हो, चाहे वो वीआईपी मोहल्ला हो, चाहे वीवीआईपी मोहल्ला हो। सब लोग इस बरसात में, हालांकि इस बार बरसात कम हुई है, तब भी पूरा शहर बजबजा रहा है, इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने के इशारे पर, यहां के जनप्रतिनिधियों के इशारे पर करोड़ों रुपया फर्जी तौर पर नाला बनाने के लिए खर्चा हुआ था, हम लोगों ने एतराज़ किया था कि एनसीसी चौराहा से जो नाला बन रहा है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। आप भी देख रहे होंगे, ना आवास विकास का गया, ना श्रीराम विहार कॉलोनी का गया, ना कल्पना टाकी का गया, और ना ही पानी गया आपके टाइगर नगर का, ना जेल का गया, ना एसपी के बंगले का गया, ऑफिस का गया। इसलिए जो बंदर बांट हुआ है उसकी जांच भी हम करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब, भारत।